जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्टोर रेसलिंग में। तो आज की वीडियो में ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करने वाले हम। ब्रॉक लेसनर के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ की है रिटर्न की, या उनसे जुड़ी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। शुरू करते हैं ब्रॉक लेसनर रिटर्न के बारे में। देखिए, ब्रॉक लेसनर रिटर्न इस साल नहीं होने वाला, कंफर्म न्यूज़ है। अगर आप दिमाग में लगाए बैठे हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न हमें इस साल देखने को मिलने वाला है, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। इवन क्राउन जूल का पेपर भी आने वाला है, वहाँ भी हमें ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं देखने को मिलने वाला। कारण सिंपल सा है, ब्रॉक लेसनर इस साल सारे पेपरों में कम्पीट कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कोई साल ब्रॉक लेसनर इतना ज़्यादा दिखे हों। लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा ब्रॉक लेसनर दिखे हैं। कोडी रोड्स के साथ 3-3 मैच दिए हैं, समर स्लैम में मैच, तो भाई क्लियर सी बात है ब्रॉक लेसनर एब्सेंट है और वो सीधा अब रिटर्न करने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर, रॉयल रंबल के आसपास। और वहाँ भी आपको ब्रॉक लेसनर का क्या मैच दिखने वाला है, रॉयल रंबल मैच दिखने वाला है, इसके बारे में अभी कुछ न्यूज़ नहीं है। लेकिन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको इस साल नहीं देखने को मिलने वाला, उम्मीदें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल के आसपास आपको द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले हैं। सो ये थी ब्रॉक लेसनर के बारे में लेटेस्ट न्यूज़। अब इसके आगे एक खबर और आ रही है, रूमर है। वो देखिए ट्रस्टेड सोर्स नहीं है लेकिन रूमर है, और रूमर वही होते हैं जहाँ सच होता है। रूमर ये है कि रॉयल रंबल में जो ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं या रेसलमेनिया के बाद, रेसलमेनिया 40 के बाद पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ अलाइन होने वाले हैं, ये कंफर्म न्यूज़ है। जी हाँ, आपने सही सुना, पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की जोड़ी दोबारा से वापस आने वाली है, और इसमें कोई झटका नहीं है, ये कंफर्म है। आप कंफर्म मान लीजिए पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं एक साथ रेसलमेनिया 40 के बाद। ये क्योंकि रॉयल रंबल के आसपास जब ब्रॉक का रिटर्न होगा तो पॉल हेमन ब्रॉक के साथ दिखेंगे तो नहीं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस जरूर होगा ब्रॉक के साथ शायद स्टोरी लाइन में या किसी के आसपास। लेकिन रूमर काफ़ी हार्ड है कि रेसलमेनिया 40 के बाद पॉल हेमन रूमर इसको छोड़कर ब्रॉक लेसनर के साथ जाने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर के वापस से एडवोकेट बनने वाले हैं। ये क्लियर कट न्यूज़ है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। तो हमें द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर एंड द मैन ऑफ द माइक स्किल्स पॉल हेमन एक साथ दिखने वाले हैं दोबारा से, और इंजॉय करना आप इन दोनों को, बिकॉज ये जोड़ी वापस आने वाली है रेसलमेनिया 40 के बाद। तो देखना ये होगा इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स अ गुड सोर्स, सो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ब्रॉक का रिटर्न होगा रॉयल रंबल के आसपास रेसलमेनिया 40 के बाद, पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर टुगेदर होंगे, वापस एक जोड़ी आएंगे, बिकॉज ब्रॉक लेसनर का वो आखिरी साल होने वाला है रेसलमेनिया 40 के बाद। इवन रेसलमेनिया 41 मिनियापोलिस में होने वाली है जो ब्रॉक का होम टाउन है, और वहाँ पर शायद ब्रॉक लेसनर फाइनली रिटायर होते दिखने वाले हैं, लेकिन ये आखिरी साल में पॉल हेमन ब्रॉक के साथ जाने वाले हैं एज एन एडवोकेट। सो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा। Acknowledge me!